हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टाटा ऑटो टेक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाई प्रेशर पंप के बारे में। कमिंस 5.9 लीटर डीजल इंजन जो होता है BS4 अजिंक्य इंजन, उसमें ये पंप लगता है वो, और आज हम इसी पंप के बारे में बात करेंगे कि ये कैसे काम करता है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, टंकी से जो डीजल आता है सीधा वो इस पाइप में जाता है। इसमें एक यहाँ पर एक मोटर लगी हुई है, ये 4 बोल्टों के अंदर, जो यहाँ से ये डीजल खींचती है। यहाँ ये इसका इनलेट है, फिर यहाँ से मोटर घुमा के यहाँ से आउटलेट, यहाँ से बाहर निकालती है डीजल को। इस पाइप से डीजल बाहर निकलने के बाद हमारे डीजल फिल्टर में जाता है। डीजल फिल्टर के बाद में सीधा पंप के अंदर यहाँ जाता है। यहाँ पर ये लगा हुआ है एम्प्रोक्स, इसको बोलते हैं एम्प्रोक्स। इसको दोस्तों एम्प्रोक्स वाल्व बोलते हैं। जब हम इग्निशन ऑन करते हैं तो ये वाल्व है जो ऑन हो जाता है। ये वाल्व ऑन होते ही डीजल जो है सीधा पंप के अंदर चला जाता है। डीजल जो है हमारा पंप के अंदर चला गया। अब मैं आपको बता दूं, ये कैमशाफ्ट है जो आगे टाइमिंग गियर में लगती है। जब ये घूमती है तो यहाँ से डीजल जो है ऊपर निकलता है। इसका डीजल प्रेशर जो है दोस्तों वो 1600 बार है, यानी 1600 बार की रफ्तार से इसमें डीजल निकलता है बाहर। यानी इस पंप की जो कैपेसिटी है वो 1600 बार है, और इसके 1400 RPM है, यानी ये 1400 RPM का झटका झेल सकता है। यहाँ दोस्तों इसमें ऑयल की पाइप लगती है, यानी ये पंप ऑयल ल्यूब्रिकेंट पंप है। यहाँ से इसमें ऑयल जाता है, फिर ये पूरा पंप ल्यूब्रिकेंट होने के बाद यहाँ आगे से इस जगह से ऑयल जो है निकल के वापस चैम्बर में चला जाता है। यहाँ पे दोस्तों इसका ओवरफ्लो वाल्व लगता है, यानी एक तरह का रिटर्न भी बोल सकते हैं। ओवरफ्लो वाल्व जो है दोस्तों, मान लो पीछे से इस मोटर ने अगर डीजल ज़्यादा दिया तो ये यहीं से वापस रिटर्न कर देता है। और इसकी ये है रिटर्न पाइप, यानी 1600 बार का प्रेशर देने के बाद जो डीजल बचता है वो इस पाइप से वापस रिटर्न हो जाता है। आपको बता दूं दोस्तों, इस एम्प्रोक्स में दो तार की पिन लगती है। अगर ये एम्प्रोक्स ख़राब हो जाता है तो आगे डीजल की सप्लाई देना बंद कर देता है। अगर ये ख़राब हो जाता है, आगे डीजल की सप्लाई नहीं आ रही है, तो आप इस पिन को हटा सकते हैं। इस पिन को आप हटाते ही ये एम्प्रोक्स डायरेक्ट हो जाता है और डीजल की सप्लाई जो है चालू कर देता है। दोस्तों अगर वायरिंग संबंधित इस पिन में कहीं ना कहीं अगर कोई दिक्कत हुई है, तो आपके इनसाइड में एक कोड भी एक्टिव होता है जो 272 है, 0272 कोड इसी का होगा। इसके अलावा इसके और भी कोड है दोस्तों। अगर आपकी एम्प्रोक्स वाली वायरिंग में कोई दिक्कत हुई है और आप चेक करना चाहते हैं कंटिन्यूटी, तो आप चेक कर सकते हैं। ECM J1 कपलर जो होता है ECM में लगता है, उसमें 3 और 4 नंबर पिन में आप कंटिन्यूटी इसकी चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हैं अम्ब्रेला पंप के बारे, हाई प्रेशर पंप के बारे में, और इनकी कॉमन रेल के बारे में कि कॉमन रेल का कितना प्रेशर होता है और किस तरीके से काम करती है, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको ज़रा सी भी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।